पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। फाइनली दोस्तों आज हमारा YouTube का तीसरा पेमेंट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही सुना। हालांकि दोस्तों आज ही नहीं आया है बल्कि 25 मई 2023 को तीसरा पेमेंट आ गया है, मेरे बैंक में आ गया था दोस्तों। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं विश्वास था कि इतना जल्दी आ जाएगा, तो दोस्तों आज है फाइनली। एक सप्ताह के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, चूँकि दोस्तों टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाने के कारण मैं नहीं बनाया था। तो दोस्तों आज तीसरा पेमेंट पा करके मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। ये सब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से मैंने तीसरा पेमेंट पा लिया है। लेकिन दोस्तों अब ये तीसरा पेमेंट मैं अपनी माँ को देने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं इनसे पूछने वाला हूँ कि क्या रिएक्शन होता है और क्या कहती है। क्योंकि दोस्तों फर्स्ट पेमेंट में भी मैं अपनी माँ को दिया था, और सेकंड पेमेंट में भी, और थर्ड पेमेंट में भी देने वाला हूँ, और देखते हैं कि माँ मेरी क्या कहती है। तो चलिए दोस्तों अब हम देते हैं, उसके बाद हम देखते पूछते हैं। यूट्यूब का तीसरा पेमेंट ये रहा। हालांकि दोस्तों तीसरा पेमेंट मैं बताऊंगा कि आखिरकार कितना आया है। पहला पेमेंट से बहुत ज़्यादा आया है। ये सब आपका प्यार सपोर्ट है दोस्तों, तो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं पूछता हूं कि आखिरकार कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग्स हो रहा है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि यार इतना जल्दी भी तीसरा पेमेंट हम लोग को आ जाएगा। हाँ, तो ये यूट्यूब का तीसरा पेमेंट है, जो पेमेंट तो हम पहले दिए हैं, तो कैसा लग रहा है पाकर? सबके नमस्ते। तीसरा पेमेंट हमको नहीं विश्वास था कि मिलेगा, मगर बहुत जल्दबाजी में मिल गया है तीसरा पेमेंट। हम बहुत खुश हैं, इसीलिए फिर से चौथा मिलने के लिए होगा। और बहुत खुश है, हमको तो विश्वास न था कि ये सब का कर रहा है, हमको समझ में नहीं आता था। ठीक है, इसी तरीके से आपसे प्यार करते रहिए, फिर से अपना होते रहेगा, मिलित रहे। हाँ, तो कितना आया है हम देखते हैं, माँ से गिनवाते हैं। हालांकि दोस्तों आधा पेमेंट मैं ही निकाला हूँ एटीएम से, और आधा पेमेंट मेरे बैंक में ही अभी पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ कितना आया है, गिन के बताओ सब ऑडियंस को कि कितना है पेमेंट। हम गिन रहे हैं, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पेमेंट ही हाथ में हमें अपना 18 पेमेंट नहीं। फाइनली 18,95,9,000 फाइनली दोस्तों मैंने अपनी माँ को दिया है, और भी पेमेंट जो है मैंने अपना रखा हुआ है बैंक में, और तो जैसे काम पड़ेगा वैसे जो है हम यूज़ करते रहेंगे। और कितना आया है पूरा पेमेंट, अगर यह जानना है तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार पूरा पेमेंट कितना आया है। फाइनली दोस्तों अब हम आप सभी से बातें करने वाले हैं, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार मेरा टोटल पेमेंट कितना आया है, कब एग्जैक्ट आया है, और यहाँ आने में कितना समय लगा है, और दोस्तों तीसरा पेमेंट के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा, कुछ कुछ झेलना पड़ा, क्या कुछ झेलना भी पड़ा है या फिर कुछ नहीं झेलना पड़ा है, और मैं आपको सारा ये कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली बात, तीसरा पेमेंट मेरा 25 मई 2023 को ही बैंक अकाउंट में आ गया था। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक महीना में दो डेट हम यूट्यूबर्स के लिए काफ़ी खुशी का दिन होता है, जिसमें दोस्तों हर महीने की 10 तारीख को गूगल एड जितना मैंने यूट्यूब से पैसा कमाता है वो एक गूगल एडसेंस के नाम में सेव होता है। उसके बाद दोस्तों 11 दिन के बाद, मतलब कि हर 21 तारीख को, अगर आपका गूगल एडसेंस का पैसा $100 कम से कम रहता है या फिर उससे ज़्यादा जितना भी रहता है, तो 21 तारीख को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों यह डिपेंड करता है कि आपका बैंक कैसा है, किस स्टेट में रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं, ये सभी पे डिपेंड करने के बाद आपका पेमेंट 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यहाँ तक कि 1 सप्ताह भी, या ऐसे 1 सप्ताह से ज़्यादा भी लग सकता है आपके बैंक में आने तक। लेकिन दोस्तों खुशी की बात तो यह है यार कि फर्स्ट पेमेंट में, मतलब कि मेरे को 21 को भेजा गया था, तो नहीं तो 22 को आया, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक नहीं आया था, 1 तारीख को आया था, 1 मार्च को आया था। लेकिन दोस्तों तीसरा पेमेंट में एकदम अचानक से हुआ यार कि 21 तारीख को भेजा गया, 22, मैं तो सोच लिया था यार 28, 29, 30 तारीख को, लेकिन 25 तारीख को सुबह 9-10 बजे के करीब मैसेज आता है बैंक की तरफ से, इतना अमाउंट क्रेडिट हुए हैं। मैं सोचा यह यूट्यूब का ही होगा, और फाइनली जब मैंने कन्वर्टेड किया डॉलर से, तो दोस्तों बिल्कुल यूट्यूब का ही अमाउंट था। मुझे देख करके काफ़ी खुशी लगी यार कि 21 तारीख को भेजा गया, 4 दिन में मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। ये सब आपका प्यार एंड सपोर्ट की वजह से दोस्तों इतना सब कुछ हो रहा है। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या तीसरा पेमेंट लेने के लिए मुझे कुछ करना पड़ा, क्या परेशानी है
तो दोस्तों तीसरा पेमेंट लेने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। पहला पेमेंट के लिए बहुत सारा चीज़ करना पड़ा था, मतलब कि काफ़ी सारा कुछ करना पड़ता है, बैंक अकाउंट एंड लिंक करना पड़ता है, काफ़ी सारा डिटेल्स देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जब फर्स्ट पेमेंट आ जाता है तो सेकेंड पेमेंट थर्ड पेमेंट ये अपने आप आते रहता है, ऑटोमेटिक आते रहता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, कुछ भी परेशानियाँ नहीं हुई दोस्तों तीसरा पेमेंट के लिए मेरे को। और यहाँ तक कि अब मैं बता देता हूँ कि आखिरकार मेरे को भाई साहब मिला है कितना तीसरा पेमेंट। बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, मेरी जुबान से आप सुनने का मन कर रहे होंगे कि भाई साहब पूरा एग्जैक्ट बताइए आप कि आखिरकार आपको तीसरा पेमेंट मिला है कितना। तो दोस्तों फाइनली अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार मेरा यूट्यूब का तीसरा पेमेंट कितना आया है। तो दोस्तों अगर आपने मेरा फर्स्ट पेमेंट वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने एग्जैक्ट आपको बताया था कि आखिरकार कितना आया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं उन सभी लोगों के लिए बताने वाला हूँ कि मेरा फर्स्ट पेमेंट में जितना आया था दो से गुना कीजिए जितना आएगा, और फर्स्ट पेमेंट का 10% और दोनों को जोड़ दीजिए उतना मेरा आया है यूट्यूब का तीसरा पेमेंट। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे यार मैं मैथमेटिक्स यार नहीं जानता हूँ, प्लीज़ आप मुझे करेक्ट बताइए कि आखिरकार आया है कितना। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. तो दोस्तों फाइनली एक तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि पूरा पूरा कितना आया है, लेकिन दोस्तों फिर भी आप सुनना चाहते हैं तो मैं अब आपको यह बताने वाला हूँ कि इतना आ गया है कि मैं यहाँ पर जो है दोस्तों वीवो T2 5G मोबाइल जिसमें 106 GB रैम 128 GB स्टोरेज आसानी के साथ खरीद सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आप लोग जाकर के रेट चेकआउट कर सकते हैं, वीवो T2 5G 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज मैं आसानी के साथ खरीद सकता हूँ, इतना मेरा तीसरा पेमेंट जरूर आ गया है। दोस्तों आप सभी के दोस्तों काफ़ी सारे प्यार मिल रहे हैं, यही कारण है कि दोस्तों यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको इसी तरीके से काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों अगर आपको कोई भी पेमेंट से रिलेटेड समस्याएँ हों तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने अपनी माँ से भी मिलवा दिया और काफ़ी सारा मैंने आपको कुछ बताया है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मेहमान बन जाइए, मैं अपने मेहमान को काफ़ी इज्जत करता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग भरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।